नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। आपको बता दें कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। आपको बता दें कि ये मंदिर अचलगढ़ में सन 813 में अचलेश्वर महादेव का मंदिर निर्मित किया गया था। इस अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ भगवान शिव अंगूठे के रूप में विराजते हैं और शिवरात्रि और सावन के महीने में भगवान के इस रूप के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के करीब 108 प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक वाराणसी शिव की नगरी है तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही पंच धातु की बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जिसका वजन 4 टन है। वहीं मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखता है और इसके ऊपर एक पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह देवादिदेव शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर के विशाल चौक में चंपा का विशाल पेड़ अपनी प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर की बाईं तरफ से कलात्मक खम्भों का धर्म काटा बना हुआ है जिसकी शिल्पकला अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म कांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर 12 नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध व कलंगी अवतारों के काले पत्थर की भव्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है वहां नीचे विराट ब्रह्म खाई थी जिसे पाटने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उस खाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदी वज्रधन को जाने का आदेश दिया। इसके बाद नंदी वज्रधन खाई में उतरा तो धंसता ही चला गया। केवल नंदी वज्रधन का नाक और ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी वह अचल नहीं रह पा रहा था। तब वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे पसार कर इसे स्थिर किया यानी अचल कर दिया जिसके बाद वह अचलगढ़ कहलाया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इसी अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहाँ जाता है यह रहस्य आज भी बना हुआ है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।